हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप ऑल आर यू वेल एट योर हाउस बेटा सो टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मदर्स डे सी इज अ वेरी सेट गर्ल्स सेट वुमेन्स एंड सी वांट टू गेट एनी रिस्पेक्ट इन हर फैमिली सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन देखिए बेटा क्या कह रहा है स्टोरीस कह रही है बट वेयर वुड यू गो लेकिन आप कहाँ पे जाओगे एंड और आपके साथ कौन जाएगा मिसिज <coughs> पेशन कहते हैं कि डेट्स माई फोन बिजनेस ये मेरा काम है यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड वेयर यू शुड गो विद डू यू तुम्हें इसमें कोई भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे किसके साथ जाना है और मुझे कहाँ पर जाना चाहिए डोरिस कहते हैं कि डेट्स डिफरेंट ये बहुत अलग बात है

क्या कहते हैं कि क्या आप कहीं पे गिर गई थी या फिर आपके कहीं पे चोट लगी है, है किसी से चोट पहुंचा सकती हूँ तुम मुझे ये पागलों जैसे प्रश्न पूछना बंद नहीं करोगे तो मैं आपको चोट हाउस से पहुंचा दूंगी डोरिस्टेर एट हर ओपन माउथ अब डोरिस क्या जाती है भाई वो अपने मतलब उसको भोचंकी होकर उसको देखने लग जाती है आगे देखो रेडी टू क्राई और वो रोने के लिए तैयार होती है डोरिस कहती है बेसर की बात है सी बिगेन टू क्राई वो रोना शुरू कर देती है नॉट फैशन मतलब जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है मिसिज प्यूसन कहते बड़ी शांत स्टॉप बबलिंग रोना बंद कीजिए यू आर नॉट अ बेबी तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो इफ यू आर ओल्ड इनफ यदि तुम इतनी बड़ी हो टू गो विद चार्ली स्पेंस की भाई तुम जब चार्लीस स्पेंस के साथ जा सकती हो यू आर ओल्ड इनफ टू बी हैव प्रॉपरली तो आप इतने भी एबल हो कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो नाउ स्टॉप इट अब बंद कीजिए। अब जॉर्ज पियर्सन एंटर लेफ्ट अब क्या कहते हैं भाई जॉर्ज जो पियरसन है उसका जो पति है वो प्रवेश करता है ही इज अबाउट अबाउटी पंद्रह पचास साल का होता है लगभग फंडामेंटली बट सेलोम बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव का सेल्फ इम्पोर्टेंस पॉम मतलब बिल्कुल ही मोटा पहुंचने के जैसे शांत से चलने वाला पर प्रीफेबली ही शुड बी हैवी शायद वो बहुत ही मतलब भारी भरकम है स्लो मूविंग टाइप्स और धीरे चलने वाला इंसान है ही नोटिस डोरियस टीयर्स उसने क्या किया आते ही भाई डोरिस है उसकी मतलब आंसू की तरफ देखा जॉर्ज कहते कि हेलो व्हाट इज ये क्या है कैंट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट कि क्या है रोने की कोई बात है डोरिस कहते कि थ्रो सॉप्स कहते यू विल सी आप ही देख लीजिए डोरियस रन आउट लेफ्ट विदॉ और टू ऑन अब क्या कहते हैं जो डोरियस है वो वहाँ से चली जाती है आफ्टर हर मोमेंट अब क्या कहता है जॉर्ज कुछ समय के लिए उसको घूरता है तब वह मिसिज पियर्सन को देखता है जॉर्ज कहता है डेड यू सी से क्या इसने कहा था कि तुम देख लेना मिसिस पियर्सन कहता है यस yes. हाँ जॉर्ज वॉडेड से मिंट इसका कहने का क्या मतलब था मिसिज पियर्सन कहती है बेटा बेटा कर अच्छा हो गया आप भी उससे पूछ लीजिए जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर अब जॉर्ज ने क्या किया धीरे से मतलब शांति से उसने दरवाजे की तरफ देखा एंड देन एट मिसिस पियर्सन और उसके बाद मिसिज पियर्सन को देखा देन ही नोटिस

मिसेस पीरसन कहते कि बिकॉज आई फैसन सम क्योंकि मुझे पीना पसंद है जॉर्ज कहता कि एट दिस टाइम ऑफ द डे दिन के इस समय आपको शराब पीना अच्छी बात लगती है मिसेस पीरसन कहते यस व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट द टाइम ऑफ द डे कि दिन के इस समय शराब पीने में क्या गलत है जॉर्ज कहते हैं बेली मतलब बिल्कुल हैरान होते हुए ना थिंक कुछ नहीं आई सपोज मेरा मानना कि यानी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर लेकिन आपको मैंने कभी भी पहले इसको पीते हुए नहीं देखा मिसिजेश कहती है कि वेल well, ठीक है यू आर सिंगिंग मी नाउ तो भाई आप मुझे अब पीता हुआ देख लीजिए जॉर्ज कहता है कि विद हैवी डिस्टेंस मतलब भारी यस एंड आई डोंट लाइक इट और मुझे ये पसंद नहीं है इट डज नॉट लुक राइट अब ये अच्छा नहीं लगता। I am surprised that you, आपने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया है। Pearson कहते हैं कि कि ये आपके लिए बदलाव के लिए अच्छा होना चाहिए जॉर्ज डू यू मीन आपका कहने का मतलब क्या है भाई मिसिज प्यसन कहते है इट मस्ट बी सम कि भाई इट मस्ट भी या अच्छा ही समय होगा कि आपको मुझे देखकर आपने भाई मैंने आपको सरप्राइज कर दिया जॉर्ज जॉर्ज कहता कि आई डोंट लाइक सरप्राइज मुझे हैरानी बिल्कुल पसंद नहीं करता आम, आम... ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन में बिल्कुल एक साधारण इंसान हो यू वो टू नो आपको याद होना चाहिए डेट बाई दिस टाइम इस समय बाई द वे आई फोगे मतलब मैं आपको बताना भूल गया था दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वॉन्ट एनी टीम भाई आज सुबह में आपको बताना भूल गया था कि मुझे आज शाम को कोई चाय नहीं चाहिए स्पेशल स्नोकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट क्या कह रहा है कि ये स्नूकर कार्ड के होता है भाई का कोई गेम होता है तो क्या कह रहा है कि आज क्लब के अंदर वास्तव में एक विशेष ताशों का गेम होने वाला है एंड आई बेट फॉर सफर डोइंग गोइंग और वहाँ पे कुछ रात्रि भोज चलेगा सो नो टी तो इसलिए क्या है भाई कोई चाय नहीं मिसिज पियसन कहते हैं कि डेढ़ साल राइट भाई सब ठीक है देर एजेंट है नहीं तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई नहीं है जॉर्ज कहती है एस्ट्रोनॉइट रेडी इसका मतलब ये कि, कि आपने चाय बिल्कुल भी नहीं बनाई है मिसेज पीस कहती यस हाँ एंड गुड थिंग्स अच्छी बात है इट इज टर्नड आउट कि भाई आप बाहर जा रहे हो जॉर्ज कहता है अगर थे तो ठीक well. है सपोज आई वांटेड सम लेकिन यदि मान लीजिए कि भाई मुझे कुछ चाय की आवश्यकता होती तो कहते कि हे hey भगवान लिसन टू दिस मैंने इस व्यक्ति की बात सुनी है इसलिए है क्योंकि आई डिड नॉट गेट टी फॉर हिम क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई डेट ही डज नॉट इवन वांट क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है इवन ट्राई डेट द क्लब और यह क्लब में जाना चाहता है जॉर्ज कहता है ट्राइड भाई क्लब से क्या परेशान हो गए मिसिज पेशन देम यू डोंट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ बियर क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है बार के अंदर जाना है और उनको ये कहना है कि मुझे बियर का ग्लास नहीं चाहिए बट यू आर और आपको क्रोधित होना बिकॉज दे रेडी प्योर इट आउट क्योंकि उन्होंने उस गिलास को पहले से तैयार नहीं किया था ट्राई डेट ऑन देम और उनके ऊपर कोशिश करना एंड सी वाट यू गेट और आप देखते हो आपको क्या मिलेगा जॉर्ज कहता है कि आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बातचीत कर रही हो भाई मिसिज पेशन कहते हैं कि दे वु यू इवन मोर देन देव कि वो आपके ऊपर और ज्यादा हंसेंगे जितना आप, हैं जॉर्ज कहता है indignantly लाफ एट में क्रोधित होते हैं क्या? क्या कहता है कि लाफ एट में क्या वो मेरे ऊपर हंसते हैं laugh एट me वो मेरे ऊपर हंस नहीं सकते हैं मिसेज पीस कहती है ऑफकोर्स हाँ, वास्तव में वो करते हैं यू have टू that आउट बाई दिस टाइम भाई आपको इसके बारे में इसके लिए अभी आपको पता लग जाएगा एनीबडी एल्स वुड है यू आर वन ऑफ देय स्टैंडिंग जोक्स फेमस तुम वहां पे क्या भैया के जोक्स का नमूना हो बिकॉज क्योंकि दे कॉल यू पमी ओमपी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो ऑन पमस क्योंकि वो आपको सभी क्या कहते हैं हटक हटक कहते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा मोटे हो ठीक है बेटा आज इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैव अ गुड डे हाँ भाई